आप भी उसका समर्थन करने आए हैं, क्या समस्याएं हैं जरा बताइए। समस्याएं ये है कि यहाँ पर वास इंफ्रास्ट्रक्चर नामक एक ऑफिस है जिसके मालिक विनू भाई वालिया और उनके बेटे जयेश वालिया है। लगातार पिछले 3-4 वर्षों से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से बोरीवली के लोग बहुत प्रताड़ित अन्यायित महसूस करते हैं। जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना इनका काम है, उसी के साथ साथ वो इमारतियों को ओसी न दिलाना, कन्वेंस नहीं देना, पुरानी इमारतियों को कन्वेंस नहीं देना, पुरानी इमारतियों को जो पगड़ी वाली इमारती है उसको खरीदना, पुरानी इमारत खरीदने के पश्चात उसकी मरम्मत न करना, वो गिरने की राह देखना, महानगर पालिका के साथ अलग दिशा में जाते हुए उनको C1 की नोटिस भेजना, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर केस करना और इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में बरसों तक घसीटना, ऐसा करते हुए करीबन 100-100 इमारतियों तक, ऐसा लोग कहते हैं कि 100-100 इमारतियों तक कन्वेंस लेके बैठे हुए ये व्यक्ति के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष है, और इतना असंतोष है कि आप देख रहे हो बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, बोरीली में है जिनका जिंदगी चला गया, कर सकता है ना, जिनका जिंदगी चला गया, और ये होने के पश्चात भी लोग FIR करने जाते हैं, FIR होते नहीं हैं, और इसके लिए बोरीवली के ये कन्वेंस माफिया कौन है, इनके खिलाफ मैं विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, और ये हमारी जो गरीब जनता है बोरीवली की उसको न्याय देने के लिए मैं निश्चित रूप से शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार, नई सरकार, हमारी जो अभी नई सरकार है एक साल जिसको पूरा हुआ, वो निश्चित रूप से ये हमारे बोरीवली के सामान्य आदमी को न्याय देने के लिए निश्चित रूप से तत्पर होगी, ऐसा कहता हूँ। ऐसी कितनी सोसाइटी जमीन है, मैं तो नाम लेता हूँ, साई निवास एक्सर, 1984 की चाल है, छोटी, 30 लोग रहते हैं। अब 30 लोगों को रिपेयर करके देने में प्रॉब्लम क्या है, वो देते नहीं है ना, बल्कि देते हैं, बल्कि उनके साथ वादा करते हैं कि हम आपसे सब करेंगे, कुछ नहीं करते। हरिदास नगर बरसों से पड़ा है, कुछ नहीं करते। दर्शन अपार्टमेंट सोनीवाड़ी, विवेकानंद नगर पुष्पा पार्क, मेघजोत, सावरकर उद्यान जी के उद्यान के सामने, माधव निवास, बोरीवली पश्चिम स्टेशन, सागरदीप दर्शन, एसवी रोड, स्मितु अपार्टमेंट, मंडपेश्वर, प्रताप अपार्टमेंट, काटर रोड नंबर 3, श्रीनाथ दर्शन, गौतम नगर, आजू बाजू के सभी इलाके में इन्होंने स्कूल बांधे हैं, पूरा पानी उस बिल्डिंगों में घुसता है, अन्याय अत्याचार की परिसीमा हो चुकी है। लोगों ने रामायण महाभारत बहुत देखा टेलीविज़न पे, लेकिन अभी ये रामायण महाभारत बोरीवली में होगा और लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा, ये निश्चित है। आज का जो सर उन पे नहीं हुआ तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम बहुत विशाल होगा, विशाल जनमोर्चा के साथ इनको हम विधानसभा में ये प्रश्न उठाएंगे और लोगों को न्याय देने के लिए जो लोग बरसों से इंतज़ार करते हैं। देखो, छोटे से घर में 500 फुट में रहने वाला नागरिक हो, 200 फुट में रहने वाला हो, या चाली में 160 स्क्वायर फुट में रहने वाला हो, आप अगर कन्वेंस करते हो, चाल खरीदते हो, तो आप उसको बनाते क्यों नहीं हो? अगर बनाने के लिए पैसे नहीं है तो खरीदते क्यों हो? या बेचने के लिए जाते हो तो कोई खरीदता ही नहीं है। ऐसा तिगड़म में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको आने वाले समय में निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने जो काम किया है, हर बार लोगों को कोर्ट कचहरी में खींचते हैं, ये जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है इनको भी कोर्ट में खींचते हैं और वकीलों की फौज खड़ी करते हैं, गरीब आदमी को कोर्ट तक लेके जाते हैं और कोर्ट में जाने के पश्चात कोई हल आता नहीं है, बरसों तक चले जाते हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो लोगों को झूठी आस क्यों दिखाते हो, और अगर लेते हो बिल्डिंग तो क्यों नहीं बनाते हो, और बनाते नहीं हो तो लोगों को दे दो। और ये मैंने 3-3.5 साल शांत बैठा कि आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, और स्कूल बनाने के बाद आप जाके देखिए फैक्ट्री लेन के वहाँ पर LT रोड पे पूरा पानी का पानी, 5-5 फुट पानी सोसाइटियों में जा रहा है। मुझे लगता है ये करे, अन्यथा मैं और ये नागरिक बहुत तेज़ी से आंदोलन करने वाले। नाम आनंद देसाई है, मैं गौतम नगर सोसाइटी से हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमें किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, पर जो न्याय की प्रक्रिया है वो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा यहाँ प्रॉब्लम 1994 से है। हमारा बिल्डिंग 1967 में बना है, आज 55 साल हो गए, बिल्डिंग की हालत ख़राब है, 2012 से केस चालू है, जो केस का कोई बेस ही नहीं है। अभी किसी ने आपको एक कोई चेक दिया होगा और वो बाउंस भी नहीं हुआ, वो सामने वाले ने डिपॉजिट ही नहीं किया, तो वो केस बनना ही नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको कुछ चेक दिया है, आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो वो मेरे अकाउंट में पैसा वापस आता है। पर यहाँ केस
गंगा उल्टी बह रही है। उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट दिया था, वो डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया और उसके कारण आज हमारे उन्होंने उसके ऊपर केस किया है। आज वो केस 13 सालों से चल रहा है, 2012 से आज 2023 हो गया। हमारे 100 परिवार है, 500 से ज़्यादा लोग है, कितने लोग तो बुजुर्ग थे यही आस में चले गए कि हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होगा। आज हमारा स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। कल कोर्ट के अच्छा लीज़ खत्म हो गया है 2016 से, तो लीज भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनका केस चालू है। जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पास नहीं होगी या इनका बेस नहीं निकलेगा या ये सहायता नहीं करेंगे। चाहते क्या हैं आप लोग? सेटलमेंट करके हमें रिलीज चाहिए ताकि हम उसके ऊपर हमारा हम भी 45-50 के हो गए, नए बच्चे लोग उसमें रह सके, हमें ये प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। हमारा बिल्डिंग खड़ा है आज की तारीख में, उसने पाँच पीछे नवाचाली भी बनाया ऑलरेडी, पुष्पा विनोद 3 नंबर बराबर है। कन्वेंस तो हमारा सेम है और हमने हाईकोर्ट में केस भी किया था, कम से कम 10-12 साल चला, उसका कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक। क्या अभी तक हम लड़ रहे भी है? अभी सोसाइटी वाले पैसा कितना निकालेंगे? हम लोग छोटे छोटे आदमी, कितने परिवार रहते हैं जो आप? हमारा 39 मेंबर है टोटल, 39 मेंबर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग हमारा कन्वेंस दे देवे वो बस, दूसरा कुछ नहीं।